बेसिकली आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे। इससे पहले हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था उसके एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और आज हम फाइंड करेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट दे दे और हमसे पूछा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा डायपोल की वजह से, आज हम उसे फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हमने लास्ट सेशन में सीखी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं डायपोल की बात करूं तो डायपोल क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विद एन स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है हमारे पास और उनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा सेपरेशन हो, जैसे इस सेपरेशन को मैंने यहाँ पे 2a कंसीडर कर लिया। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डायपोल। डायपोल का मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ये है भाई हमारा डायपोल। दूसरा क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज equal to the product of charge and separation between the charges, यानी कि जो हमारे positive और negative charge है ना, उनमें से कोई एक charge और उनके बीच का जो separation है, उसका product क्या होता है, dipole moment, और dipole moment is a vector quantity, dipole moment क्या होता है, एक vector quantity होता है, और इसकी direction क्या होती है भाई, क्योंकि dipole moment कैसी quantity है, vector quantity है, तो इसकी direction भी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, क्लियर, बात आई समझ में। यानी कि यहां जो डायपोल का एलिमेंट मैंने बना रखा है, यहां पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। एक और बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, निकाला था, ध्यान है कुछ, तो भाई उसका फॉर्मूला एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। मान लेते हैं ये भाई हमारा क्या डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, सेपरेशन कितना 2a, ठीक है, और ये रहा हमारा डायपोल का मान लो मिड पॉइंट, क्लियर। अब इस मिड पॉइंट से मान लो कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस दूर पे मैंने एक पॉइंट p कंसीडर किया और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या मिला था, ध्यान है, e एक्सियल क्या मिला था भाई हमें, 2kp अपॉन में r क्यूब, और r क्या होता है, r होता है जो सेंटर दिख रहा है ना, ये मिड पॉइंट, यहां से इस पॉइंट p तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हमने सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था भाई, ये भी देखिए क्या फटाफट, तो मान लो ये था हमारा डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा यहां पर होगा, ये मान लेते हैं पॉइंट बी जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या मिला था, इक्वेटोरियल, इसका मिला था के पी अपॉन में आर क्यू, यही मिला था क्या, के पी अपॉन में आर क्यू। अब ये आर क्या होता है, तो आर होता है भाई यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। चलो अब एक चीज और बताओ कि यहां जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो किधर मिलता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, इधर, ध्यान से समझना, ई एक्सियल जो हमें मिल रहा है ना, यानी कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो किधर मिलता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, जिस डायरेक्शन में हमारा डायपोल मोमेंट, अब यहां देखना एक्सियल वाले में देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इधर होगी ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और जो तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो भी इधर मिलता है। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो इक्वेटोरियल में डायपोल मोमेंट तो तुम्हारा यही होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर मिलता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो एक्सियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और इक्वेटोरियल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ने से पहले ये सारी बातें टिप्स में होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका यूज है इस टॉपिक में। अब हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं ये भी टॉपिक। चलो मान लो मैंने यहां पे क्या किया भाई, एक डायपोल ले लिया, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने यहां पे अपना एक डायपोल ले लिया, ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये है डायपोल का सेंटर ओ, और हमें पता है डायपोल का सेपरेशन क्या है, 2a है, चलो 2a मान लो। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन यही होगी क्या, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि एक जनरल पॉइंट कहीं पे है, मान लो मैंने कहा ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, ए। इस पॉइंट ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस डायपोल। अब ये ए पॉइंट ना तो एक्सियल पॉइंट है ना इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्लियर। ये कोई भी एक जनरल पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पॉइंट को ना सेंटर जो हमारा डायपोल का जो मिड पॉइंट है उससे मिला दूंगा और उससे डिस्टेंस देखूंगा कितना डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, आर है अभी के लिए, क्लियर। और उसके बाद देखूंगा ये जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन हमारे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तो हमने मान लिया इसे थीटा। यानी कि डायपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आर यानी कि उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, ठीक है। और दूसरा क्या, थीटा। थीटा क्या होता है, वो एंगल जो वो लाइन बना रही है, यानी आर डिस्टेंस जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ना, ये लाइन मान लो आर वेक्टर, जो ये आर वेक्टर वाली लाइन है ये हमारे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो थीटा है। तो दो चीजें पता होनी चाहिए, एक आर और एक थीटा। अगर ये दो चीजें हमें पता है तो हम किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू डायपोल, ठीक है। अब यहां पे काम करते हैं, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। डायपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है ना, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं, मैं इसके दो कंपोनेंट करता हूं, तो एक कंपोनेंट मेरा इधर आ जाएगा, क्या इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, पी कॉस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आ जाएगा, क्या ये, और ये कंपोनेंट का नाम दे दिया मैंने पी साइन थीटा। और ये कंपोनेंट करना तो आता ही है, मान लो जैसे कि यहां पे समझते हैं पी हमारा इधर था, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट हम क्या करते हैं, कंपोनेंट दो डायरेक्शन में होता है, वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने एक कंपोनेंट इसका लिया इधर और इसी के परपेंडिकुलर मैंने एक कंपोनेंट ले लिया इसका इधर, और यहां पे एंगल थीटा बन रहा है। तो जिधर एंगल थीटा बनता है उधर क्या आ जाता है, कॉस थीटा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या कहा, कॉस थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को हमने क्या कहा, साइन थीटा, क्लियर। बात आई समझ में, तो ये एक छोटा सा काम किया। अब देखो यहां पे इसके दो कंपोनेंट करने के बाद अब हमारे पास दो डायपोल मोमेंट है, एक पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा, क्लियर। दो डायपोल मोमेंट है। अब इन दोनों डायपोल मोमेंट की वजह से, इन दोनों डायपोल की वजह से ए पॉइंट पे क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। अब जो ये पी कॉस थीटा वाला जो डायपोल है, ठीक है, मान लो कि यहां पे एक इमेजिनरी डायपोल अपनी तरफ से मान लो, ठीक है, कि यहाँ पे कहीं होगा भाई हमारा डायपोल माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू होगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट मिल रहा है उसकी डायरेक्शन है ये पी कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ये पी कॉस थीटा जो मुझे डायपोल मोमेंट मिल रहा है ना, इसकी वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, अब ये ए पॉइंट इस डायपोल के लिए कहाँ है, एक्सियल पे है, क्या बात आई समझ में।
क्योंकि P cos थीटा जिस लाइन पे है उसी लाइन पे मेरा पॉइंट A भी है, यानी पॉइंट A कहां पे है, एक्सियल पॉइंट है, पॉइंट A कहां है, एक्सिस पे है, किसके, P cos थीटा पे। तो 4P cos थीटा पॉइंट A इज एक्सियल पॉइंट, पॉइंट A इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर। यानी P cos थीटा जो हमारा डायपोल मोमेंट था उसके लिए पॉइंट A कैसा है, एक एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे एक्सियल पॉइंट पे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2KP अपॉन में R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस R है तो मैंने R क्यूब तो मैंने यहाँ पे R क्यूब लिया। अब P क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ का डायपोल मोमेंट है P cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, P cos थीटा, क्लियर, बात आई समझ में, ओके। तो A P cos थीटा की वजह से A पॉइंट पे मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा, 2KP cos थीटा अपॉन में R क्यूब, क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिल रहा है, एक्सियल पॉइंट पे मिल रहा है क्या, तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट यानी P cos थीटा की डायरेक्शन क्या है, इसी लाइन पे है क्या, तो इसकी वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन भी यहीं पे होगी, तो मैंने इसे कह दिया E1। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू P cos थीटा, क्लियर, बात आई समझ में। चलो इसी तरीके से अब जरा P sin थीटा की बात करते हैं, दूसरा डायपोल मोमेंट, यहां पे भी एक डायपोल कंसीडर कर लो, माइनस होगा भाई, यहां पे कहीं माइनस क्यू होगा और इधर कहीं प्लस क्यू होगा, और इसकी वजह से P sin थीटा मुझे एक डायपोल मोमेंट इधर कहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये P sin थीटा जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो इस लाइन पे है, क्लियर। अब इस डायपोल मोमेंट के लिए A पॉइंट कहां है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ध्यान से समझना जरा भाई, मेरा जो डायपोल है ना उसकी डायरेक्शन है ये, और जो मेरा A पॉइंट है वो कहीं यहां पे है, तो ये A पॉइंट वाली जो लाइन है, A पॉइंट जिस लाइन पे मुझे मिल रही है वो लाइन इस डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, यानी A पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, किसके लिए, P sin थीटा के लिए। तो 4P sin थीटा पॉइंट A इज इक्वेटोरियल पॉइंट, पॉइंट A इज इक्वेटोरियल पॉइंट, पॉइंट A हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है के पी, तो यहां मैं पी की जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा, क्योंकि पी इज द डायपोल मोमेंट, और यहां जो डायपोल मोमेंट मिल रहा है वो कितना है भाई, पी साइन थीटा है, और अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस हमने आर माना है तो आर का क्यूब, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है पी साइन थीटा की वजह से ये पॉइंट टू से मैंने क्या कंसीडर किया, ई टू कंसीडर किया, क्लियर। अब ये बताओ कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट। अभी हमने सीखा ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ड्यू टू डायपोल वो क्या होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो P sin थीटा इधर है, तो इस P sin थीटा की वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसे मैंने कंसीडर किया E2। तो A पॉइंट पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एक E1 और एक E2। E1 किसकी वजह से मिला, ड्यू टू P cos थीटा, एंड E2 किसकी वजह से मिला, ड्यू टू P sin थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसे मैंने क्या कंसीडर किया, E कंसीडर किया। अब वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है भाई, E की तो निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो E इज इक्वल्स टू व्हाट, वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बात आई समझ में, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब नॉर्मल इसे सॉल्व कर दो, तो इक्वल्स टू E1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 KP
कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर सॉरी आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, ई1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से ई2 की वैल्यू भी यहां सब्स्टिट्यूट करो तो ई2 की वैल्यू कितनी है, केपी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसे भी सॉल्व करो सिंपल, तो यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। कॉमन क्या आ सकता है, केपी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि देखो केपी अपॉन आर क्यूब यहां भी है और केपी अपॉन आर क्यूब यहां भी है, और केपी अपॉन में आर क्यूब का स्क्वायर है, तो जब मैं इस स्क्वायर वाले टर्म को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, टू नहीं आएगा, सिर्फ केपी आएगा। तो यहां पे हमारा कॉमन क्या आया, केपी अपॉन में आर क्यूब आ गया रूट से बाहर कॉमन, और रूट के अंदर क्या बचा भाई, यहां 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और कॉस थीटा बचा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, प्लस यहीं से हमने साइन, यहां से केपी आर क्यूब ले लिया तो यहां क्या बचा, साइन थीटा यानी कि स्क्वायर। अब सिंपल इसे हम सॉल्व कर दें क्या, अब इसे हम सॉल्व करते हैं दूसरे पेज। तो भाई हमारा क्या आया था कॉमन, यहां देखना कॉमन निकालने पे क्या आया था, कॉमन आया था भाई हमारा केपी अपॉन आर क्यूब, और यहां क्या बचा था, यहां बचा था 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया था क्या भाई हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो इक्वल्स टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक हमें फंडामेंटल फॉर्मूला मिल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, यानी कि एक डायपोल दिया हुआ है और उस डायपोल से तुम्हें किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है कि बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इससे 2 मीटर की दूरी पे एक कोई पॉइंट है क्या ए, और ये जो लाइन है या ये जो पॉइंट वाली जो लाइन है, ये लाइन डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बना रही है कितने, 30 डिग्री। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो बस हम क्या करेंगे भाई, हमें ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो के पी, ठीक है, अपॉन में कितना भाई आर क्यूब और 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो थीटा कितना है भाई हमारा, 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री पुट कर देंगे, और ये आर क्यूब था, इस आर की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे जो कि 8 है, और के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 जिसकी वैल्यू होती है 9×10^9, वो पुट करेंगे, और पी की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है अभी के लिए 2a ही मान के चलते हैं इसे, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी की वैल्यू हो गई क्यू इंटू 2a, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में Q की वैल्यू या डिस्टेंस जो भी होगा वो गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो जो वैल्यू गिवन हो उसे पुट करेंगे, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, क्लियर, बात आई समझ में। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चीज ध्यान रखना है भाई हमें। चलो अब थोड़ा सी अब कुछ और बातें हैं उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये वही डायग्राम है, फ्रेश डायग्राम यहाँ पे बनाया हो गया है,
कि भाई ये हमारा डायपोल मोमेंट है पी, इसके दो कंपोनेंट हमने किए, एक पी कॉस थीटा आया, एक पी साइन थीटा आया, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा था इसका, थीटा बन रहा था, ठीक है। ये है भाई हमारा वो पॉइंट ए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो क्या है, ये रहा, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे, और पी साइन थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो ये है ई पी, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है, तो पी साइन थीटा भाई हमारा इधर है, तो इसका इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली भाई, ई की वैल्यू कितनी निकाली भाई हमने, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस कितना, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये सभी पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड है, इवन तुम यहां से ना एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट को भी प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यहां से निकाल सकता हूं। अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो एक्सियल पॉइंट पे एंगल कितना बनता है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा थीटा होता है वो होता है जीरो डिग्री। ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे यही तो होता है, पॉइंट पी मान लो यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, और ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है, और ये भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, ठीक है। तो भाई जिस डायरेक्शन में हमारा आर है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना बना, जीरो बना, क्लियर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इधर, अब यहाँ पे कॉस जीरो पुट कर दो तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई हमें, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस स्क्वायर जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है क्या, तो कॉस जीरो की वैल्यू हो गई वन, और वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा, तो अंदर क्या हो गया, थ्री प्लस वन फोर, जो कि रूट से बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा भाई हमें, इक्वल्स टू टू के पी अपॉन में आर क्यू, क्लियर। यही फॉर्मूला था क्या एक्सियल का, मिल गया। इसी तरीके से अगर तुम्हें इक्वेटोरियल का निकालना हो तो इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना हो जाता है, जीरो, तो इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वेटोरियल का भी निकाल देते हैं, तो इक्वेटोरियल के लिए जो हमारा थीटा होता है वो होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री फॉर इक्वेटोरियल क्यों होता है, ये भाई हमारा डायपोल हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये होता है भी हमारा आर होता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर और आर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 बना, क्लियर। तो यहां पे थीटा होता है 90, पुट कर दो फॉर्मूले में, इक्वल्स टू केपी, केपी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस कॉस स्क्वायर 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो इक्वल्स टू केपी अपॉन आर क्यूब, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हुई, जीरो, तो वन प्लस जीरो क्या हो गया, वन, और रूट वन का मतलब वन, यानी वन से अगर हम इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वैल्यू इतनी रह जाएगी, कितनी, के पी अपॉन में आर क्यूब, और इक्वेटोरियल की वैल्यू इतनी होती है, क्लियर। तो ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला मिल गया तुम्हें डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे फाइंड करने का, ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल भी तुम यहां से फाइंड कर सकते, क्लियर हो गया। तो ये आज हमने क्या सीख लिया भाई, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसकी वजह से, ड्यू टू डायपोल। अगर एक डायपोल गिवन है और उस डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो अब हम फाइंड कर देंगे। हमें क्या पता होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस कि भाई वो पॉइंट डायपोल के मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है, और एक एंगल, और एंगल का खास ध्यान रखना है कौन सा एंगल लेना है, जो डायपोल मोमेंट के साथ बन रहा हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑपोजिट साइड वाला मत लेना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब जैसे कि डायपोल हमारा ये है माइनस क्यू और ये मान लो है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पे कहीं तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट है ए, तो ये साइड का एंगल लेना है, क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसे कंसीडर करना है, इधर का नहीं लेना।
अगर मान लो इधर का कोई एंगल दे दे कि भाई इधर का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पता है तुम्हें पूरा एंगल जो लाइन पे बनता है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 डिग्री। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना कि कौन सा एंगल लेना है, ठीक है, और डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है कहां से लेना है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल।